तो वेल गाइस, स्वागत है कार फॉर सेल के एक नए वीडियो में। सो गाइस, फाइनली आ चुका है कार फॉर सेल में एक न्यू अपडेट। जैसे कि हेलोवीन अपडेट आया था वैसे ही सेम अपडेट है। सो हमको मिला है मिशन जिसमें हमें 13 पैगमिन कलेक्ट करने हैं। जैसे ही हम इसको कलेक्ट कर लेंगे तो गाइस हमको मिलने वाली है एक सुपर कार। मुझे भी नहीं पता वो कार क्या मिलने वाली है और आप लोगों को भी नहीं पता गाइस क्या मिलने वाली है, क्योंकि ये सुपर कार देने वाला है गाइस सेंटा। और फर्स्ट हमें पैगमिन देखने को मिला है और गाइस इसको मैंने गाड़ी से ही फोड़ दिया। तो गाइस अपने पास एक पैगमिन हो चुका है और अभी अपन लोगों को गाइस 29 पैगमिन और कलेक्ट करना है। सो गाइस ये सारी के सारे पैगमिन है अपने घर पे, ऑफिस पे, बियर वाग पे, रेसिंग चैलेंज पे, एक्सेट्रा, जितने सारे यहाँ पे मोस्ट चीज़ें सभी जगह मिलने वाले हैं। हालांकि कह सकते हो कि ये भाई कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर नहीं हो सकते, भाई हर एक जगह होंगे। और अपन लोगों ने एक कलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अपनी गाड़ी भी देख सकते हो भाई। मैंने रेसिंग के लाने तैयार की थी बट रेसिंग फिर की नहीं पाई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट बन रहा था कुछ इशू के कारण। ओके गाइस, तो अपन लोगों के पास दो पैगमिन हो चुके हैं और यहाँ पर तीसरा भी कलेक्ट कर लिया है। सो गाइस अपन पहुँच चुके हैं भाई अपने ऑफिस पर। ऑफिस पर गाइस इधर बहुत सारे पैगमिन हैं लेकिन ऑफिस पर सबसे पहले कलेक्ट नहीं करेंगे, सबसे बाद में कलेक्ट करेंगे। तो इधर उधर से मैं सभी के सभी को कलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर से सेंटा की गाड़ी भी चलेगी गाइस। इधर से अपन लोगों को गिफ्ट मिलेगा लेकिन बाद में गिफ्ट लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जितने सारे पैगमिन देख रहे हैं जल्दी से जल्दी उस पैगमिन को कलेक्ट करने के बाद मेरे पास हो जाएगा प्रॉपर 4 पैगमिन। तो गाइस सामने तरफ दिख रहा है, ओके, जो ये पैगमिन है ना ये अपनी अपनी जगह से हट भी रहे हैं यार, और गेम में भाई अपडेट में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी की हैं। ओके गाइस, तो हमारे पास 5 पैगमिन हो चुके हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये गाड़ी में जो रेस देने का है ना गाइस, ये लुक जो हो रहा है पता नहीं क्या चेंज क्या अपडेट लाया है, और ऊपर सेंटा की कार भी चल रही है तो ये सही है। और अपने पास 6 हो चुके हैं और ये 7, अभी 7 तो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, 23 बाकी है। और एक मुझे जी सामने दिखा है तो मैं सामने वाले को भी कलेक्ट कर लिया है। अभी गाइस हम लोगों को 22 देखना बाकी है। और भाई मैं अभी तो ऐसे ही देख रहा हूँ रैंडम, भाई मेरे को वैसे तो गाड़ी से विदाउट गाड़ी पर बैठ के देखने चाहिए था लेकिन भाई रैंडम ऐसे ही देख रहा हूँ कि भाई इस अपडेट में क्या है, क्या चीज़ चेंज लाया है क्या नहीं। बट इधर देखा जाए तो गाड़ी की एक रेसिंग में चेंजिंग लाया है और भाई वेदर तो पूरा ख़तरनाक ही है, ठीक है। इसके पीछे भी एक पैगमिन होगा और मैं गाड़ी को एक बार जूम आउट करके देख लेता हूँ। भाई इधर भाई कितना खतरनाक नज़ारा दिख रहा है गाइस। चलो एक इधर मिल चुका है लेकिन गाड़ी आराम से ठुक जा रही है। अगर गाड़ी ऐसे ठुकती रहेगी तो खर्चा बहुत तेज़ हो जाएगा भाई, हमें ऐसे नहीं ठोकना है गाड़ी को। ओके, 9 कलेक्ट हो चुके हैं और गाड़ी एकदम भाई स्पीड भी पकड़ रही है और एकदम भाई कम भी हो रही है, ये गलत है। और यहाँ पर एक चीज़ और नई चीज़ देखने को मिला है भाई। सो गाइस सामने भाई गिफ्ट एक पड़ी ही हुई है। ओके, मैं इस गिफ्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ और इस गिफ्ट में मुझे मिल चुका है $2490। और गाइस अपनी गाड़ी के पास मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर हेलोवीन की कार में बैठ के जाएंगे, क्योंकि गाइस इस बार मज़ा तभी आएगा जब हेलोवीन की कार में बैठ के सारे के सारे पैगमिन को कलेक्ट करेंगे। क्योंकि गाइस ये भी इसी इवेंट में, इसी प्रकार के इवेंट में गाड़ी आई थी तो इसमें भाई मेरे को पिछली बार तो यही मिली थी लेकिन इस बार का मुझे अभी भी नहीं मालूम भाई क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। और अपन लोगों ने 9 पैगमिन कलेक्ट कर लिए, बाकी अभी और देखना बाकी। और मैं इधर एक बार देख लेता हूँ भाई कितने सारे पड़े हुए हैं या नहीं पड़े। और ऑफिस के पीछे, ओके भाई रिपेयरिंग के पीछे एक तो मिल चुका है और मुझे एक एक्स्ट्रा दिख भी गया है तो मुझे सबसे पहले उधर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई गाड़ी को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब गाइस मैं कोई भी व्यक्ति है ना उसके पीछे चेक ही नहीं कर सकता कि गाड़ी क्या मिलने वाली है क्या नहीं है, बॉल के आर पार देख ही नहीं सकता भाई, फीचर ही नहीं दिया लोगों ने बॉल के आसपास देखने का। सो गाइस मेरे को 10 हो चुके हैं, 20 और कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो भाई अभी 3 मिनट में गाइस मैंने 10 देख डाली, क्या लगता है 6 मिनट में सभी को देख सकता हूँ भाई, मुश्किल है। तो गाइस इसको भी मैं एक बार वो कर लेता हूँ कलेक्ट। और अब अपने पास हो चुके हैं 11 और इधर 4-5 इधर ही रहते हैं भाई, 4-5, क्योंकि अपने शोरूम पे नहीं रहते तो सभी के सभी को इधर ही दे देते हैं वो लोग। तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर एक ये रहा पैगमिन, भाई कितने सारे पैगमिन है इधर ही दे दे मेरे को 30-40 पैगमिन मज़ा आ जाएगा, बट इधर ये लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको भी कलेक्ट कर लिया, मेरे पास 14 हो चुके हैं और यहाँ पर सामने दिख रहा है 15 पैगमिन और 15 ही मेरे को और इकट्ठित करना है। लेकिन अब आ चुका है गाइस सबसे हार्ड चैलेंज। यहाँ पर एक गिफ्ट और डालिए सेंटा की, इसमें पता नहीं, इसमें भी गाइस मेरे को 2490 वो मिला है डॉलर, ओके। और अपने पास भाई अर्ली 1,22,32,860 डॉलर है जो कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट है। इधर हमको पता नहीं क्या मिला, योर फाउंड इज गई, मेरी समझ में नहीं आया भाई क्या गिफ्ट है। और सामने तरफ भी कुछ डला हुआ है
एक गिफ्ट सामने तो रहा है लेकिन ये कुछ अलग टाइप के भाई, इसमें भी कुछ नहीं मिला भाई, कितनी बुरी किस्मत है। ओके चलो कोई बात नहीं भाई, किस्मत को क्या दोष दे। लेट्स गो, और कलेक्ट करने के लिए गाइस हमको निकलना पड़ेगा अभी के अभी, और ऑफिस के आसपास तो मुझे लगता नहीं है होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑफिस के अंदर तो एक भी नहीं दिख रहा, अगर ऑफिस के अंदर होता तो दिख जाता। और गाइस हमारा ऑफिस देख सकते हैं भाई कितना लग्जरी है भाई, एकदम शोरूम जैसा बना दिया भाई। दो चार गाड़ी रखी होती है ना शोरूम में, सारी की सारी गाड़ी भाई मैंने रेसिंग के लाने बाहर रख दी, तो मैं उनको बाद में कलेक्ट करूँगा। ठीक है, इधर एक मेरे को ये मिल चुका है गिफ्ट, तो इसमें से भी उठा लिया, बट इसमें कम डॉलर मिले हैं, इसमें 1900 मिले हैं, और सामने भी पड़ी है शायद, इसमें कुछ भी नहीं मिला भाई। कभी कभी कुछ भी नहीं डालता सेंटा, कैसा सेंटा है यार। देखो सेंटा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो सारी के सारी गिफ्ट में पैसा तो बहुत भरना चाहिए था, लेकिन भाई कम भरा है तुमने, कोई बात नहीं। तो गाइस अपनी हेलोविन की कार में मैं बैठ के जा चुका हूँ, और अभी भाई 15 मेरे को और देखना है पैगविन, और पिछली बार मैं उनको क्या बोल रहा था, पंपकिन बोल रहा था भाई, मतलब वो खरबूजे जैसे टाइप के थे ना, कद्दू जैसे टाइप के थे, लेकिन इस बार भाई भाई मैं इनका बार बार नाम भूल जाता हूँ यार, पता नहीं क्या इशू है, बट कोई बात नहीं, नाम तो भूलते रहते हैं। ओके इधर एक आध को इधर को भी देख लेता हूँ, इधर एक पीछे तरफ है। ओके गाइस इधर भी मिल चुका है, सो 16 हो चुके हैं गाइस, और अभी भी बहुत ज़्यादा देखना बाकी है, यानी 14, और ये 14 गाइस अब है ना एक जगह नहीं मिलेंगे, अब बहुत सारी जगह मिलेंगे, क्योंकि भाई मेन जगह तो मैं जाके कलेक्ट कर चुका हूँ। ओके गाड़ी बच गई खुदने से, नहीं भाई इसका बहुत मोटा खर्चा, पहले लास्ट वाला हेलोविन का इधर ही रह गया था, बट इधर अब सबसे पहले ही कलेक्ट कर लिया था भाई। मुझे ये देखना है भाई किधर भी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है गाइस इधर मैंने गिफ्ट को भी उठा लिया, तो गिफ्ट भी अब अपने पास हो चुके हैं, और सामने एक दिख रहा है मुझे। ओके इसको अंदर तरफ है गाइस, और एक बाहर तरफ है, तो इसको भी कलेक्ट कर लिया, 18 हो चुके हैं मेरे पास। ओके और इधर घर के आसपास कुछ नहीं है, तो एक अंदर वाला बच्चा है सामने की तरफ। ओके मैं उसको अभी उठा के लाता हूँ भाई, कार मार्केटिंग प्लेस है ना गाइस वहाँ पे, इसके पीछे तो मैं देख ही लिया है। ओके इसके पीछे भी कुछ नहीं है, बस उसी के पीछे जो है तो उसी के अंदर। ओके गिफ्ट मिला है भाई इसके अंदर, यार बिना मतलब का गिफ्ट यार, कसम से बता रहा हूँ भाई, कुछ निकलता नहीं है ना, तो कलेक्ट करने का मन ही नहीं करता, लेकिन भाई फिर भी कर लिया। ओके गाइस भाई ऐसे मुझे नाइट भी हो चुकी है, और अब भाई मेरे को सोने के लिए निकलना पड़ेगा, लेकिन भाई सोने से निकलने से पहले मैं सोच रहा हूँ भाई एक चीज़ दो चीज़ को और कलेक्ट कर लेता हूँ। और नाइट का इधर देख रहे हो ना गाइस सीन, भाई स्नोप हो रही है, मतलब भाई बारिश हो रही है। ओके गाइस कोई ना स्नोप भाई मस्त, सामने का तो भाई ना के बराबर दिख रहा था उसमें तो, हेलोवीन में तो गाइस सामने उजियरा दिख रहा था, जैसे भूत वगैरह आते हैं ना वैसा सीन गाइस, बट इधर तो भाई दिख ही नहीं रहा, एकदम बर्फ़ जैसा पड़ रहा है, बर्फ़ सब जगह। ओके सो हम आ चुके हैं अपने घर पे सोने के लिए। ओके और भाई सोते हैं, और आज भाई कुछ भी खरीदा नहीं है ना, कुछ सेल किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इस नेक्स्ट दिन हो चुका है, और नेक्स्ट दिन गाइस अपन लोग निकल चुके हैं घर के अंदर से, और अभी अपने पास 29 है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले इससे पहले इधर ही देख लेते, बट अपनी गाड़ी अपन लोग छोड़ के आ गए थे, तो मेरे को गाड़ी भी कलेक्ट करना बाकी है, और अभी मैं कोई भी कार बाय नहीं करूँगा, क्योंकि अर्ली मैंने बहुत सारी कार बाय करके रख ली सुपर कार, और जितना ज़्यादा मैं सुपर कार बाय करूँगा, मैं ही नहीं कोई भी यूट्यूबर सबसे ज़्यादा सुपर कार बाय करेगा भाई, उसका गेम उतना ही लैक होगा, पता नहीं ये ग्राफिक वालों या गेम वालों की कोई गलती है ग्लिच है। ओके भाई थोड़े भाई नेक स्पीड में ठुक गई यार, ये तो गलत हो गया अपने साथ, कोई बात नहीं, कभी कभी बड़े लोगों के साथ छोटी मोटी बातें होती रहती है अक्सर। सो गाइस अभी 20 पैकमैन हो चुके हैं, 10 पैकमैन और बाकी देखना बाकी है, और ऊपर से भाई सेंटा गिफ्ट फेंकते जा रहा है, एक दो पैकमैन ही टपका के चला जा भाई इधर, उसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बट कोई ना कभी कभी होता है अपने साथ। और इधर मैंने सारी चीज़ों को देख लिया है गाइस, और अब मेरे को भाई इधर, हाँ इधर मेरे को एक दो इधर भी मिल जाएगा। ठीक है तो सामने मुझे एक तो दिख गया, एक पैक में दिख रहा है, ठीक है, और एक दिखा है अभी भाई, इधर दो तीन तो होना चाहिए, दो तीन अक्सर मिलते हैं, तीन मिले थे शायद पिछले बार। ओके दो दिख गए मेरे को, सो गाइस इधर दो पैकविन है, और मैं दोनों को ही कलेक्ट कर लेता हूँ भाई, मैं सोच रहा था 4-5 मिल जाते और मज़ा आ जाता भाई। ओके इसके बाद 8 और बचेंगे, तो 8 को मैं बाद में उठाऊंगा, सबसे पहले इन दोनों को उठा लेता हूँ, एक उधर पड़ा है और एक इधर पड़ा है।
सो गाइस इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया और उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, कम ऑन लेट्स गो फास्ट। और उसको भी कलेक्ट कर लिया गाइस। अब मेरे को 8 पैकमैन देखना बाकी है और भाई अब तो सेंटा की गिफ्ट में भी कम पैसा मिल रहा है तो उनको मैं उठा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब बाढ़ में जाने दो, हमें नहीं चाहिए सेंटा आपकी गिफ्ट, हमें पैकमैन चाहिए, हमें सुपर कार चाहिए। हाँ लेकिन एक गिफ्ट चाहिए सेंटा। लास्ट में गाइस एक गिफ्ट है ना, जैसे अपन E13 अपनी कंप्लीट हो जाएंगे ना गाइस, लास्ट में एक गिफ्ट रहेगा बजू बच्चे का, उसको सेंटा अपन लोगों को देगा और उस गिफ्ट में गाइस निकलने वाली है गाड़ी। तो मुझे पता नहीं भाई कौन सी गाड़ी निकलने वाली है भाई, एकदम लग अच्छा होना चाहिए कि कोई सुपर कार ही निकले ऐसी, नहीं तो ऐसी वैसी गाड़ी निकलेगी भाई। इवेंट की गाड़ी को बचाना रखना पड़ता है, क्योंकि भाई इवेंट की गाड़ी को नहीं बचाऊंगा तो भाई लोग बोलेंगे कैसे तुम सबसे पुराने खिलाड़ी हो इस गेम के, समझ रहे हो ना। तो इवेंट की कारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ओके इधर एक गिफ्ट और पड़ी है बट अब मेरे को उठाना ही नहीं इस बार। सो अब मेरे को भाई इधर मैं सीधे देख लेता हूँ, सीधे में भी एक दो तो पैकमैन मिल जाते हैं कभी कभार, लेकिन कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। ओके इधर एक पैकमैन और दिख चुका है, तो ये मेरे गाइस एकदम भाई शुरू शुरू में मैंने इसको कलेक्ट ही नहीं कर पाया भाई, मैं ऐसे ही निकल गया, कोई बात नहीं गाइस। इधर एक ही था भाई, और मेरी गाड़ी है ना भाई सभी की सभी सुपर कार इधर उधर, नॉर्मल कार भाई सभी की सभी इधर उधर बिक्री पड़ी है भाई, मैंने सेटलमेंट किया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बार पक्का करूँगा, पहले रेस ड्रैग रेस के लाने निकलूँगा। अब गाइस मैं आ चुका हूँ विलेज एरिया में, और भाई इसमें देखना भाई मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है यार, इसमें रास्ता समझ में नहीं आती भाई कौन सा रास्ता पे हम पहले गए थे कौन से पे नहीं गए थे। तो ये मेरे लाना सबसे हार्ड होता है इधर से चीज़ें निकालना बस, और मेरे को इस गेम में कोई भी चीज़ कलेक्ट करना हो ढूंढना हो भाई तुरंत ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो इधर तरफ एक पैकमैन था तो मैंने इसको भी कलेक्ट कर लिया, और अब मेरे को 6 पैकमैन देखना बाकी। और ये गाड़ी किधर जा रही है, अबे अबे रुक जा, अबे रुक जा, जाती किधर है। ओके चलो गाड़ी को तो रोक लिया है अपन लोगों ने, और एक पैकमैन सामने दिख रहा है। ओके तो गाइस अपन लोगों को 5 पैकमैन दिख रहे हैं भाई, 5 पैकमैन में अपन को सरप्राइज मिलने वाला है यार, तुम्हें मालूम नहीं क्या सरप्राइज मिलने वाला है भाई, सुपर कार मिलने वाली है यार, आई होप सुपर कार ही मिले भाई, ठीक है। तो गाइस 5 क्या 5 की 5 हम लोगों को इस गांव में मिलना मुश्किल लग रहा है भाई, नहीं मिलेगा। एक दो तो एक या दो दूसरी जगह हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एकदम पूरा जगह अच्छे से देख रहा हूँ और जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके एक सामने तरफ भी है, और सेंटा भाई ऊपर से कैसे ले जाके आ रहा है गिफ्ट वगैरह, बट हमको चाहिए नहीं। ओके इसको भी कलेक्ट कर लिया, इसको उठा लो। कुछ नहीं मिल रहा भाई, अब कुछ नहीं मिल रहा, इससे बढ़िया गिफ्ट ही कलेक्ट मत करो, कुछ नहीं दे रहा ये लोग। सो गाइस हम लोगों ने कर लिया सारी के सारे गिफ्ट को नॉर्मली कलेक्टेड। ओके इसको भी कर दिया भाई, इतना कम डॉलर हो गया कि अब सेंटा की गिफ्ट उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। जब गेम मैंने शुरू शुरू में स्टार्ट किया था ना भाई तब मिल जाता ना ये, तो भाई मैं बहुत पहले से ही भाई एकदम इस गेम में भाई करोड़ों रुपये आ चुके होते, बट कोई नहीं पहले दिए नहीं थे, अब दे रहे तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, क्योंकि अब पहले से ही पैसा है ना। ओके इधर मैं शायद आ चुका हूँ या नहीं, नहीं आ अभी नहीं आया गाइस, और मैं लोकेशन को ऐसे करके देखता हूँ जैसे मुझे चारों तरफ के दिख जाए, बट इधर सबसे बड़ी भूल भुलैया यही है कि मैं इसको ध्यान में नहीं रख पा रहा हूँ भाई किधर है किधर नहीं है, और मेरे को इधर है ना भाई दो दो तीन दिन बार देखना पड़ रहा है भाई, दो दो तीन दिन बार एक एक प्लेस को दो दो तीन तीन बार, इधर मुझे दिखा नहीं है। साइड वाला इसका व्यू गायब भी हो चुका है, तो मैं इस बार पैदल जाके देख लेता हूँ, क्योंकि भाई वैसे देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके एक पैकमैन और दिख गया, अब मेरे को 3 पैकमैन और देखना है, और आई होप 3 की 3 पैकमैन गाइस भाई इधर ही मिल जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर मिले ना भाई तो दिक्कत हो जाएगी। और इधर एक गिफ्ट भी पड़ी है, इस गिफ्ट में $700 भाई, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, कुछ पूछे ही मत। अब वो पास में था इसलिए उठा लिया, नहीं तो मैं उसको भी गिफ्ट को भी नहीं उठाता। कोई बात नहीं, 2 पैकमैन 3 पैकमैन देखना बाकी है, और आई होप जल्दी से जल्दी मिल जाए भाई। सारे के सारे लोग गाड़ी बेचने के लिए एकदम बाहर निकल के खड़े हुए हैं, बट उन्हें क्या पता हमको तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। लेट्स गो इधर नहीं है भाई, बट मैं एकदम पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि एक जगह भी ना छूटा है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को भी छोड़ दिया, और सामने तरफ देख पा रहा हूँ भाई एक भी नहीं दिखा। ओके इधर तो भाई मुझे लगता ही नहीं है कि एक आध होगा। इस बार गिफ्ट में ज़्यादा पैसा दे दिया यार, 1900 दे दिया, कभी कभी किसी गिफ्ट में कम क्यों देता है फिर।
ओके इधर इधर नहीं है, इस प्लेस पे नहीं है, ये वाला शायद मैंने पूरा देख लिया भाई। इधर अब मुश्किल है भाई, एक सामने पड़ा है भाई, एक सामने दिख गया गाइस। ओके तो अब अपने पास हो चुके हैं गाइस 28, ओनली 2 पैकमैन का डिग्री बाकी है, 2 ओनली भाई, 2 जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके मेरा गाड़ी भी देख लेता हूँ, जब तक गाड़ी मेरी इधर उधर ही होगी गाड़ी, और गाड़ी लेके भाई निकल लेता हूँ इधर से। अगर इधर एक आध होगा तो और मिलेगा, नहीं तो भाई मुश्किल है। मुझे लगता नहीं है कि इधर एक आध बचा होगा, फिर भी मैं एक बार चेक मार लेता हूँ सारा का सारे एरिए को, क्योंकि भाई छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो दोबारा इसमें देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। वो मैं चारों तरफ घूम के अच्छे से देख रहा हूँ भाई कि एक चीज़ भी ना छूटे भाई, एक पैक भी ना छूटे। ओके गाइस इधर भाई मुझे अभी तक नहीं दिखा, और एकदम भाई मैं दूर से भी देख रहा हूँ, और सामने तरफ एक पैक और दिख गया गाइस। तो ये हमारे पास हो चुके हैं भाई 29 पैकविन, लेट्स गो भाई। अब एक पैकविन गाइस भाई, इसमें है ना ऐसी तैसी हो जाती है गाइस, जो लास्ट पैकविन है गाइस अच्छी अच्छी भाई यूट्यूबर को देखने में गाइस 10 मिनट लग जाती है, बट मैं देखना चाहूँगा मुझे कितना मिनट लगता है। ओके गाइस अभी देख सकते हो गाइस टाइम स्टार्ट कर दिया, ठीक है आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है, और मुझे बता देना गाइस लास्ट पैकविन मुझे देखने में कितना टाइम लगा। ओके सो गाइस अभी तो भाई 30 सेकंड हुआ है, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ है, लेट्स गो। मैं एकदम सारी जगह जाके देखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि कोई चीज़ छूटे ना, और अब तो मैं पैदल भी जा रहा हूँ भाई, और क्योंकि पैदल में भाई जल्दी मिल जाती है तो पैदल जाना पड़ेगा। गाड़ी तो मैंने उधर ही छोड़ दी, अब गाड़ी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लास्ट पैक में ना और मैं गाड़ी से देखूंगा ना भाई तो देखना ही मुश्किल हो जाएगा। ओके गाइस सामने एक दिख तो रहा है, शायद पैक भी नहीं है क्या भाई वो? नहीं भाई पता नहीं क्या दिखा है भाई। हाँ इधर कार मार्केट प्लेस में मैंने एक पैकमैन को तो कलेक्ट कर लिया भाई, इधर कार मार्केट प्लेस में तो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे भी नहीं, ओ गाइस दिख गया भाई सामने है भाई, अराउंड मेरे को गाइस 2 मिनट नहीं लगी होगी गाइस, 2 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर गाइस मैंने सेकंड पैकमैन को देख लास्ट पैकमैन को देख दिया गाइस। तो भाई आप लोग बताना किसको कितने में, वो गाइस मेरे को गिफ्ट भी मिल चुकी है गाइस, लेट्स गो। ओके मैं सेंटा, मेरे को गिफ्ट दे के चला गया, बाय बाय सेंटा, थैंक यू सेंटा गिफ्ट देने के लाना। ओके गाइस मैं अपनी गिफ्ट के पास जाता हूँ, और भाई मैं देखता हूँ कि मुझे सेंटा जी ने कौन सा सुपर कार दिया है। ओके भाई नाइट का मौसम है और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है भाई नाइट में तो गिफ्ट देखने का जो मज़ा है ना वो अलग ही लेवल का है, लेट्स गो भाई। गिफ्ट भाई बहुत बड़ी है, मैं तो पता इसको बहुत छोटा जान रहा था, मैंने कहा बहुत छोटी गिफ्ट है, इतनी बड़ी नहीं है। ओके सेंटा थैंक यू गिफ्ट देने के लाना। और गाइस अब मैं करने वाला हूँ इसको अपन भाई, 1 2 3 लेट्स गो। कौन सी कार मिली है भाई? इधर हूँ मैं। ओ भाई यार ये बहुत ही घटिया सुपर कार मिली है भाई, सुपर कार नहीं है इस अलग कोटा का है भाई, कोई मतलब की कार नहीं है भाई, 10-20 हज़ार डॉलर में मिल जाते हैं यार, कसम से बता रहा हूँ। इससे बढ़िया कोई अच्छी सुपर कार दे देता यार, मेरे पास बहुत सारी सुपर कार नहीं है, उनको ही गिफ्ट कर देता। सेंटा मैं देख लूँगा यार, तूने गलत कर दिया मेरे साथ, धोखा कर दिया यार, अच्छे अच्छे लोगों को अच्छी अच्छी कार देते हो, मेरे को बुरी देते हो। कोई बात नहीं गाइस सह लेंगे थोड़ा सा, बट मुझे बहुत बुरा लगा सेंटा, आपने मेरे को 2 पाई बुरी बहुत बुरी कार दिया, ठीक है बट कोई बात नहीं। ओके गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या धमाकेदार अपडेट आने वाला है, क्या अपन लोग सुपर कार के साथ रेस करने वाले हैं, सभी के सभी देखने का मजा मिलने वाला है इसी चैनल पर। तो गाइस अब आएंगी वीडियो जल्दी, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में देखे वैल नोटिफिकेशन तो बस उसको भी कर देना ऑल पे प्रेस, और इसको कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफाइड, और अपनी सारी की सारी सुपर कार को बाई ड्रैग रेस कराना रेडी करने वाले हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय टाटा।